नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिंगापुर के साइंस सेंटर में घुमाने के लिए जा रही हूँ। आइए आप मेरे साथ पूरी वीडियो को देखिए और साइंस सेंटर के अंदर की टेक्नोलॉजी का आनंद लीजिए। दोस्तों, साइंस सेंटर के अंदर जो भी सोर्स थे वो बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक थे। साइंस सेंटर में एंटर करते हुए हमें ये सबसे पहले गेट के पास ही ये गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण, एक मॉडल दिखा। साइंस सेंटर के अंदर एंटर करते हुए ही बच्चों के लिए सबसे पहले एक वाटर पार्क इसमें बना हुआ था। इसमें भी कई विज्ञान से संबंधित जानकारियां थी। ये हमने अंदर एंटर किया और बहुत सारे बच्चे ये साइंस का शो देखने और अलग अलग तरह के यहाँ पर शो होते हैं और उस शो देखने और साइंस से रिलेटेड जानकारियाँ लेने के लिए बच्चों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी। दोस्तों, ये विज्ञान के अलग अलग मॉडल हैं। ये कहीं पर शेडो वाला मॉडल है। अब ये देखिए, वियान भी बहुत मस्ती कर रहा है। अलग अलग तरह की बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए किस किस तरह की टेबल्स बनाई हैं। और आगे चल के हमने ये मैजिकल मिरर देखी जिसमें हम अपनी अलग अलग आकृतियां हमें दिखाई दे रही हैं। बहुत ही मस्ती की हमने, बहुत अच्छा लगा। और साथ में वियान ने भी बहुत मस्ती की। ये आइंस्टीन के साथ वियान की फ़ोटो है और रोबोटिक सेंटर भी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा सेंटर रोबोट्स का है। अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी हर जगह पर दिखाई दी है और बच्चे हर चीज़ को टच करके देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो आप हॉल देख रहे हैं ये साइंस की एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे रोबोट्स के द्वारा आने वाले फ्यूचर में अधिक से अधिक काम जो है रोबोट्स के द्वारा ही किए जाएंगे। और ये हम देखिए सी वर्ल्ड के अंदर आ गए हैं। ये एक 3D गेम था। इसमें हमें लग रहा है जैसे हम पानी के अंदर मछलियों के बीच में आ गए हैं। बहुत ही ऐसा अनुभव हुआ कि हम समुद्र के बीच में तैर रहे हैं और इधर उधर से बड़ी बड़ी सार्क, व्हेल आदि मछलियाँ हमारे सामने आ रही हैं। तो ये अनुभव भी बड़ा अद्भुत अनुभव लगा। दोस्तों, इस हॉल के अंदर आके हमें ये ऐसा महसूस हुआ जैसे अंडर वाटर हम एक नई दुनिया में आ गए हों। फ्लोर में भी इतनी बड़ी बड़ी व्हेल, सार्क तैरती हुई दिख रही हैं। तो बड़ा विचित्र सा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। ये दूसरा गेम जो हमने खेला, इसमें ये फ्लाइट को उड़ाने वाला गेम था। इसमें हम एक मशीन में बैठे हैं और लग रहा है कि आकाश में अपने जहाज को उड़ा रहे हैं। बड़ा रोमांचकारी गेम था ये भी, बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों, ये हम एक नए गेम के अंदर आ गए हैं। देखिए, मिरर की एक गुड़िया है और एक स्टिक लेके हमने रास्ता खोजना है। चारों ओर मिरर लगे हैं तो पता ही नहीं चल रहा कि रास्ता कहाँ से है, कहाँ हमें बाहर जाना है। कोई भी इंसान मिरर से न टकरा जाए, इसलिए उस स्टिक की सहायता से हम रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही मस्त गेम। कहीं अलग लाल लाइट जली है, कहीं नीली, कहीं सफ़ेद, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारों ओर मिरर ही मिरर लगे हुए हैं। स्टिक की सहायता से ही रास्ता ढूंढना पड़ा, वरना मिरर में ये लग रहा है कि हर जगह से रास्ता खुला हुआ है। दोस्तों, अगला जो मैं आपको शो दिखाने जा रही हूँ ये एक अनोखा शो है। विद्युत तरंगों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक बज रहा है, तो आप भी इस शो का आनंद लीजिए। अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही हैं विद्युत तरंगों के द्वारा। ये जो सारा संगीत निकला है ये बिजली की तरंगों के द्वारा, ये संगीत आपने सुना।
साइंस सेंटर के अंदर ही इस छोटे से रूम में हमने टाइफून साइक्लोन का अनुभव किया। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब तूफान आता है तो किस तरह अनुभव होता है और कैसे भयंकर तूफान आता है, तो उसी वही अनुभव इस रूम में आके हमें हुआ। और दोस्तों यहाँ देखिए किस तरह हमें भूकंप के झटकों को महसूस कराया गया। 2015 में नेपाल में जो बहुत ही जनहानि हुई थी और भयंकर भूकंप की त्रासदी हुई थी, वो इस मशीन में हमें वही भूकंप के झटके महसूस कराए गए। आठ दशमलव सात मैग्नीट्यूड की स्पीड से जब भूकंप के झटके आए थे तो उसी त्रासदी को यहाँ दिखाया गया और किस तरह भयंकर भूकंप आया और त्राही त्राही मच गई थी, यही हमने इस मशीन में अनुभव किया। आगे चलकर बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ इस तरह के स्केरी पार्ट्स भी अब साइंस सेंटर के अंदर लगे हैं। Find a real me. So let's go. दोस्तों मैंने अपनी साइंस सिटी में अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा एंजॉय किया। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मैं किसी नई जानकारी के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।